कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज है होली और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने यहाँ का होली चौक दिखाऊंगा भाई, जो मतलब यहाँ पे होली जलाई जाएगी रात में वो दिखाऊंगा आपको। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है इस जगह को, आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हो गाइस, ये कुछ इस तरीके से सजाया गया है, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है, देखिए। तो गाइस अभी हम चलते हैं, देखिए अंदर, ये देख सकते हो ये लिखा है स्वागतम, ये देख सकते हो गाइस ये लिखा है। ये बाहर से मैं आपको दिखा दूँ, बाहर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है, देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये बाहर से, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की हुई है, बहुत ही। अभी देख सकते हो आप लोग बाहर से कुछ इस टाइप का नज़ारा है। अभी मैं देखिए, अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा इसमें कितना, मतलब बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से और भी ज़्यादा अच्छा होगा भाई, देखिए। ये गाइस पूरे कस्बे कुमरगांव में सिर्फ एक ही होली चौक है यही, जो कि जस्ट मेरे घर के सामने है। यहाँ पर पूरे गांव, मतलब पूरे कस्बे के जो लोग होते हैं सभी लोग आकर डालने के लिए आते हैं। जब होली में आग लगेगी तब यहाँ पर देखना कितनी सारी भीड़ होगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और रंजीत ब्लॉगर को सपोर्ट कीजिए गाइस बहुत, मतलब अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस। अभी चलते हैं, आपको अंदर चल के दिखाते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं गाइस। अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा सीन है। मतलब आप चलते अंदर दिखाते हैं आपको अंदर से किस तरीके का, ये देख सकते हो यहाँ पर मतलब गुब्बारे लगे हुए हैं और किस तरीके से देख सकते हो अच्छी तरीके से सजाए। ये देख सकते हो ये बोर्ड लगा है भाई, ये हमारे गांव के जो चेयरमैन है अभी यहाँ पे, ये देख सकते हो मतलब अंदर से कुछ इस टाइप का है। ये देखिए भाई, ये है हमारे अर्जुन भाई, अर्जुन भाई देखिए वीडियो बना रहे हैं। अब ये करेंगे हाय, बोलो हाय, बोलो अर्जुन भाई हाय। देखिए गाइस अर्जुन भाई हाय बोल रहे हैं, ये देखिए मतलब इस साइडों से इस तरह की बाउंड्री हो चुकी है, ग्रिल लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरीके का सजाया हुआ है काफ़ी। मतलब यहाँ पे करीबन 1000 से ऊपर गुब्बारे लग चुके हैं और लाइटों का भी खर्चा बहुत है इसमें, ये देख सकते हो इसमें करीबन 10000 से ज़्यादा कंडे पड़ गए और लकड़ी भी पड़ी हैं यहाँ पर, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऊँची है ये, देखिए बहुत बड़ी है। जब इसमें जब आग लगेगी तो इस बाउंड्री के अंदर मतलब इतनी सारी जो खाली जगह पड़ी है, देख सकते हो आप लोग, इसमें बिल्कुल भी रुका नहीं जाएगा भाई, सब बाहर निकल के जाएंगे यहाँ से, जो भी मतलब आखट डाल देंगे और मतलब बाहर निकलते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ये मतलब जब ये जलेगी तो बहुत ज़्यादा आँच लगेगी, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं। देखिए गाइस देखिए अभी यहाँ का मतलब कुछ सीन इस तरीके का है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और देखिए गाइस, ये कमेटी के लोग हैं ये, मतलब जिन्होंने ये सारी डेकोरेशन करवाई है पैसे देकर, ये सब मतलब ये जितने सारे भी लोग दिख रहे हैं ये सब कमेटी के लोग हैं, देख सकते हैं।
कितना अच्छे डेकोरेशन दिए ना ये मैं अपने बैग से दिखा रहा हूँ ये सब लोग इस तरीके का सीन है ये यहाँ पे डीजे भी बज रहा है आपको डीजे भी चलते हैं डीजे के पास में बाहर डीजे भी खड़ा है वहाँ पे दिखाते हैं आप लोग आपको पूरा व्यू दिखाते हैं डीजे का कितनी आवाज़ है उसमें सब कुछ दिखाते हैं अभी बाहर जा रहे हैं बाहर जी डीजे खड़ा हुआ है वहाँ पे आपको उसका व्यू दिखाते हैं देख सकते हो गाइस अभी हम चलते हैं डीजे देखिए आप आपको डीजे दिखाते हैं यहाँ पे देखिए बच्चे कितने तो गाइज यहाँ पर देखिए कितने सारे पटाखे चलाए जा रहे हैं सभी मतलब गांव वालों को सूचित किया जा रहा है इन पटाखों के जरिए से कि मतलब अब होलिका दहन होने वाला है होली में अब आग लगने वाली है कुछ ही देर में यहाँ पर मतलब सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये पटाखों की आवाज़ सुनकर ये देख सकते हो गाइस होली में अभी आग लग गई है मैडम को भेजूंगा अपने भाई मैं वहां मैडम दिए चाचा दे भैया देख सकते हो गाइस अभी यहाँ पे मतलब होली में आग लग चुकी है ये सभी लोग आखिर डाल रहे हैं अभी Thank you.
देखो ये गाइस हमारे चाचा जी हैं, देख सकते हो। ये हमारे मामा जी हैं। यहाँ पर देख सकते हो कम से कम भाई 2-3 हज़ार लोग हैं यहाँ पे। अभी और भी आने वाले होंगे, जिस जिसको पता चल तो रहेगा कि यहाँ पे आग, मतलब होली में आग लग गई है, वो लोग आग हटाने के लिए आते रहेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था यहाँ पर कितनी सारी भीड़ थी, लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हो ज़्यादा लोग नहीं है, बस और ज़्यादा लोग नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए सब लोग आकर ट्रैवल तक जा चुके हैं।
आप जो भी।